वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वी व्लॉग्स। दोस्तों, मैं आज आया हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम आज बात करेंगे 350cc बाइक्स के बारे में। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने सोचा आपके साथ शेयर की जाए कि इंडिया में जो भी जितनी भी 350cc बाइक्स हैं, उनकी अभी की करंट प्राइस क्या है, एक शोरूम प्राइस। तो इसी सिलसिले में हम आज बात करेंगे। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको रिसीव हो। तो चलिए, बिना कुछ देरी किए करते हैं वीडियो कंटिन्यू। तो हमने इस लिस्ट में होंडा की और रॉयल एनफील्ड की बाइकें रखी हैं, क्योंकि 350cc के सेगमेंट में वही बाइकें आती हैं मैक्सिमम। तो ये टोटल में 10 बाइकें आती हैं, उन्हीं की एक शोरूम प्राइस के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में जो सबसे पहली 350cc की बाइक है, वो है रॉयल एनफील्ड की मीटियोर 350 सुपरनोवा। आपको पता ही है कि सुपरनोवा आती है मीटियोर के सबसे महंगे सेगमेंट में। उसमें आपको एक बड़ी सी विंडशील्ड मिलती है और पीछे आपको रेस्ट मिलता है बैठने के लिए। तो उसकी जो एक्शोरूम प्राइस है इंडिया में अभी करंट, वो है 2 लाख रुपीज़, एग्जैक्ट 2 लाख रुपीज़। और थोड़ा सा वेरी करेगा स्टेट वाइज, तो वो सब चलता है। और फिर बाकी जो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे देने पड़ते हैं, वो आपको एज़ पर स्टेट चेंज होता रहता है, 9%, किसी में 6%, तो किसी में 14%, वो अलग चीज़ है। अभी हम एक्शोरूम प्राइस की बात कर रहे हैं। तो चलते हैं दूसरी बाइक की तरफ, वो है रिसेंटली लॉन्च हुई होंडा की CB350RS। होंडा की CB350RS, क्योंकि इसमें आपको दो बाइकें मिलती है, होंडा CB350 जो उससे पहले लॉन्च हुई थी, और दूसरी जो लॉन्च उन्होंने की वो होंडा 350 CB350RS है। तो उसकी जो एक्शोरूम प्राइस है अभी इंडिया में करंट, वो है आपको 1,98,000 रुपीज़ की, वो आपको एक्शोरूम प्राइस की पड़ेगी। तो हमारे लिस्ट में जो तीसरी बाइक है, वो है होंडा की सिंपल CB350। तो ये RS CB350RS से इसको 2,000 रुपये कम पड़ते हैं आपको, वो आपको पड़ेगी 1,96,000 की एक शोरूम प्राइस इसकी है ये। तो दोस्तों, चौथी बाइक जो हमारी लिस्ट में है, वो है रॉयल एनफील्ड की मीटियोर 350 स्टेलर। उसकी जो एक शोरूम प्राइस है, वो आपको 1,90,000 रुपीज़ की पड़ेगी, जो कि पहली वाली मीटियोर से 10,000 रुपये कम है। इनमें कुछ खास फ़र्क नहीं है, बस कुछ प्रीमियम चीज़ें इसमें लगाई गई हैं, तो उसी वजह से इसका जो प्राइस है वो अप डाउन हो रहा है। तो दोस्तों, लिस्ट के पांचवें नंबर की बाइक जो है उसकी बात करेंगे हम, वो है रॉयल एनफील्ड की मीटियोर 350 फायरबॉल। ये आपको जो एक्शोरूम प्राइस इसका है, ये आपको पड़ेगी 1,84,000, जो इसका करंट प्राइस है। ये मई की, मैं आपको करंट प्राइस दिखा रहा हूँ, मई 2021। बाकी ये भी थोड़ा बहुत स्टेट वाइज वेरी हो जाएगा। तो आप सिक्स्थ बाइक की तरफ चलते हैं, ये भी आपको रॉयल एनफील्ड की ही तरफ से मिलेगी। ये है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। इसका जो प्राइस है, एक्शोरूम प्राइस, वो है 1,81,000 रुपीज़ का। बाकी ये अराउंड 2,16,000 तक चली जाती है ऑन रोड प्राइस अगर की बात की जाए। अभी हम एक्शोरूम प्राइस की ही बात कर रहे हैं। तो जो सेवन्थ नंबर पे बाइक है हमारे लिस्ट में, वो है रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350S। तो एस इसमें क्या फ़र्क है क्लासिक और क्लासिक एस में, इसमें आपको मल्टीपल कलर ऑप्शंस मिलते थे, लाइक रेड, ग्रीन, ब्लू, ये सब उसमें उनने बीच में लाया था। तो उसका जो प्राइस है, वो है एक्शोरूम प्राइस जो है उसका, वो है 1,71,000, जो कि क्लासिक 350 से 8-9,000 रुपये कम है। तो हमारे लिस्ट की जो आठवीं बाइक है, एट्थ बाइक है, वो है बुलेट 350XES। उसकी जो एक्शोरूम प्राइस है, वो आपको पड़ेगी 1,55,000 रुपीज़ की। अब चलते हैं सीधा नाइन्थ, जो लिस्ट में नाइन्थ नंबर पे बाइक है, वो है रॉयल एनफील्ड की बुलेट 350KS। तो KS में आपको जो एक्शोरूम प्राइस है, वो आपको पड़ेगा 1,41,000 रुपीज़ का। तो हमारे लिस्ट में जो अब सबसे लास्ट वाली बाइक है, जो टेंथ बाइक है, वो है रॉयल एनफील्ड की 350XKS। पहली वाली ES थी, एट्थ वाली जो ES थी, ये है KS। तो ये जो KS है, ये आपको एक्शोरूम प्राइस जो है इसका, वो पड़ेगा आपको 1,34,000 रुपीज़ का। तो दोस्तों, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन 350cc बाइक्स के बारे में, उनका प्राइस अभी क्या चल रहा है एक्शोरूम प्राइस। तो
तो हमने सोचा ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है आप लोगों तक पहुँचाना, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और हमारे चैनल को और ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।